फॉर्म सबमिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या कोई ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक्टिविटीज है, फीसिस है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 25th या 26th हो गई है, जो आज से स्टार्ट हो चुकी है। दूसरे नंबर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डिपॉजिट कराने के लिए फीस जो डिपॉजिट होनी है, यहां पर ये कलर ले लो, फीस जो डिपॉजिट होनी है नेट बैंकिंग के जरिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जहां HDFC में जाके आप बैंक चालान कटवा सकते हो, उसकी लास्ट डेट क्या है, 28th जून। ठीक, ये मतलब आपकी, इसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। एक ऑप्शन है, अगर आप मैनेजमेंट कोटा में फीस सीट लेना चाहते हैं तो भी आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा फीस इन्होंने रखी हुई है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये जान ले कि बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो 24 जुलाई को है, संडे को है, जो इंपॉर्टेंट बात ये है जो शायद आपको नहीं पता कि दो तरह के प्रोग्राम है ये बीएड के। एक प्रोग्राम जिसका सभी को पता है, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं हम, रेगुलर बीएड प्रोग्राम, ठीक है, जिसके लगभग 200 के करीब कॉलेजेस हैं। एक वीडियो में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की जो वीडियो बनाई है उसमें सारी लिस्ट दी हुई है, जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा है। अच्छा, दूसरा प्रोग्राम है बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। ये सिर्फ दो कॉलेजेस हैं, नंबर एक BCM कॉलेज ऑफ एजुकेशन लुधियाना में, इनकी 30 सीट्स हैं। ये स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम है जो बच्चे लर्निंग डिसएबिलिटी का कंसेप्ट क्या है कि आपको रीडिंग, बच्चा रीड नहीं कर सकता, राइट नहीं, डिसग्राफिया है, राइट नहीं कर सकता, रीडिंग डिसएबिलिटी को डिसलेक्सिया बोलते हैं, और डिसफ्रेजिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, कैलकुलेशन मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, आप नहीं तो तारे जमीन पर जो ईशान की हालत है, उस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इसमें सीट लेनी पड़ेगी। सारे पंजाब में सिर्फ एक कॉलेज है जिसमें डिसेबिलिटी वाले बच्चों के आपने अगर टीचर बनना है तो 30 सीट्स हैं। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, ये बात याद करवा दूं, अगर आपने इन डेप्थ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ ली है तो उसमें इन बच्चों की देखरेख के लिए स्पेशल प्रोविजन है और स्पेशल टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे, ये पॉलिसी में आ चुका है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कब वो जॉब्स निकालती है, जब भी निकालती है तो इन बीएड वालों की कीमत जो बहुत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही काउंसलर वगैरह भी अपॉइंट होने हैं, वो डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा। दूसरा कॉलेज है जो 25 सीट्स है, नवजीवनी इंस्टीट्यूट सुनार। तो ये किन बच्चों के लिए, जो मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड बच्चे वो होते हैं जिनका IQ बिलो एवरेज होता है, अच्छा 25 से कम जिनका है वो CMR कस्टडियल मेंटली रिटार्डेड, और 50 तक जिनका है वो हो गए ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड, और 75 या 80 तक जिनका होता है वो एजुकेबली मेंटली रिटार्डेड। इसलिए बता रहा हूं कि एंट्रेंस टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एजुकेबली मेंटली रिटार्डेड, ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड और कस्टडियल मेंटली रिटार्डेड। तो ये जो बच्चे हैं जो 90 से लेके 110 तक है IQ होता है, नॉर्मल होता है सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन का, जो 90-80 से जिनका कम IQ है उनको MR चिल्ड्रन मेंटली रिटार्डेड या मेंटली चैलेंज्ड बोलते हैं, नई टर्म्स आ चुकी हैं इनके लिए। उन बच्चों को टीच करने के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको नवजीवनी इंस्टीट्यूट में, सुलार में जो सीट्स हैं उनके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए अगर अभी ये दो प्रोग्राम हो गए, एक प्रोग्राम हो गया रेगुलर BEd प्रोग्राम, एक स्पेशल प्रोग्राम, अगर आप एक में अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी फीस कितनी होगी, अगर दोनों में अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी फीस कितनी होगी, दोनों में फर्क है ये जान लेना चाहिए। सबसे पहले ये बता दूं कि जो एक कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नेचुरली ज्यादा बच्चे जो हैं 10,000-15,000 होते हैं रेगुलर बीएड प्रोग्राम के लिए होते हैं, उनकी फीस जनरल कैटेगरी की है, जनरल कैटेगरी की 2400 पर कैंडिडेट,
अगर वो कैंडिडेट एससी है, एसटी है, जहां पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसके लिए ये फीस आधी है 1200। याद रखना है कि इसमें क्वेश्चन आप बार बार पूछोगे, बीसी कैटेगरी यहाँ नहीं लिखा है, इट मींस बीसी कैटेगरी की फीस, बीसी की कैटेगरी की कोई यहाँ इंडिकेशन नहीं है, इट मींस इसके अनुसार बता रहा हूँ। आप ईमेल करके ये पूछ सकते हैं उनसे, वो एड्रेस भी आपको आगे चल के बता देता हूँ। तो बीसी की जो फीस बन रही है वो ये बनेगी। दूसरा, अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन बोथ बीएड प्रोग्राम, जो ऊपर स्पेशल एजुकेशन और रेगुलर बीएड प्रोग्राम, देन द फीस और चार्ज जनरल कैटेगरी में क्या होगी, दोनों के लिए डबल हो जाएगी 4800। इसमें काउंसलिंग फीस और एंट्रेंस टेस्ट की फीस दोनों शामिल है पर कैंडिडेट। ओके, तो एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए आधी हो जाएगी 2400। The fees include both entrance test fees and counseling fees. There will be no option of making any change in the registration for once filled for regular B.Ed program or special. अगर आपने एक प्रोग्राम में फिल कर दिया, बाद में चेंज करना चाहते हो, तो ऐसी प्रॉबिलिटी नहीं है। आपको अभी डिसाइड करना है कि आपने एक के लिए फिल करना है, रेगुलर के लिए फिल करना है, स्पेशल के लिए करना है, या बोथ के लिए फिल करना है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, पिछली बार ऐसा होता रहा है कि जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा में सीट लेनी होती है या जो ये इसमें अप्लाई नहीं कर पाते थे, उनको मैनेजमेंट कोटा में कॉलेजेस सीट दे देते थे, लेकिन इस बार रूल चेंज हो गया है कि आपको, आप किसी भी कोटे से रिलेटेड हो तो आपको रजिस्टर हर हालत में होना ही पड़ेगा। कहां पर? पंजाब बीएड एडमिशन डॉट ऑर्ग, ये पीछे बात कर रहे हैं। Without registration, he or she will not be eligible to seek admission in B.Ed in any institute. तो registration हर हालत में B.Ed के लिए, बेशक आपने management कोटे में जाना है या नहीं जाना, आपके लिए करनी जरूरी है। अच्छा, this is applicable for candidate for seeking admission in management quota as well. This is most important. ठीक, अगर आप चूक जाते हो तो आपका साल खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन मैनेजमेंट कोटा आल्सो विल हैव टू रजिस्टर ऑन द एडमिशन पोर्टल विच विल बी ओपन। पहले कॉलेज सीधी एडमिशन कर लेते थे, लेकिन अब थ्रू इस पोर्टल के जरिए ही आपकी एडमिशन होनी है, विच विल बी ओपन आफ्टर सेकेंड काउंसलिंग। सेकेंड काउंसलिंग के लिए, मैनेजमेंट कोटा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके बाद ये पोर्टल खुलेगा, तब आपको इसके अगेंस्ट फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा एडमिशन वेबसाइट जो है वो पंजाब बी एड एडमिशन डॉट ऑर्ग हो चुकी है। ईमेल, अगर आप यूनिवर्सिटी से बात करना चाहते हैं, आपसे यूनिवर्सिटी कैसे बात करेगी या कम्युनिकेट करेगी, जो ईमेल और मोबाइल आप रजिस्टर करवाओगे, दैट इज वाई अपना पर्सनल रजिस्टर करवाइए, अपने किसी रिलेटिव का मत करवाइए। BEd admissions 2022@gndu.ac.in, यहां पर आप ईमेल पर इस पर बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, इंक्वायरी का टाइम क्या रहेगा, 10 बजे से लेके 4 बजे शाम तक आप रोज ये जो है ईमेल वगैरह जहां कम्युनिकेट कर सकते हो। अभी तक फोन नंबर दिखाई नहीं दिया, अगर मिलता है तो आपको बताता हूं। अगर आप पर्सनली जाना चाहते हो, वहां जाके बात करना चाहते हो, तो रूम नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नियर UIT बिल्डिंग गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, यहाँ आप जा सकते हो। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज या इम्पोर्टेंट डेट्स भी हैं। ये डेट मैं बात कर चुका हूँ, ये भी कर चुका हूँ। अच्छा, ये जो आपके अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड, ऑनलाइन एडमिट कार्ड, आपने कब तक 12 जुलाई 2022 को आपने डाउनलोड करने हैं, ऑनवर्ड आफ्टर 6 PM है, 6 बजे के बाद ये आप डाउनलोड कर सकते हो। एंट्रेंस टेस्ट में जो अपीयर होना है आपने, और ये रिपीट कर रहा हूं बात को, कि आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बार बार यूज करना पड़ेगा, दैट इज वाई उसको एक कॉपी में सेव जरूर रखिए। कैंडिडेट विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल ओनली फॉर दिस पर्पज। अच्छा, द कैंडिडेट हु हैज नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर अपॉन कट ऑफ, अच्छा, जो 28 जून 2022 तक नहीं अपना
रजिस्टर कर सके, कैन फिल फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय पेइंग लेट फीस 1500। उसके बाद ये डेट है, अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म फीस एज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोस्पेक्टस। 1500 ये लगेंगे प्लस आपकी अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो इतने साथ में प्लस लगेंगे। अगर नहीं आप एससी एसटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो इतने लगेंगे। अगर आप जो पीछे बात कर रहे हैं वो साथ में जो फीस है प्लस होगी। अगर दो प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो नेचुरली उसकी डबल हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन थी आपकी जो फीस की। दे कैन डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम 18 जुलाई 2022 से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर दीज कैंडिडेट विल बी एट अमृतसर ओनली। जो ये लेट फीस करने वाले हैं, लेट फीस रजिस्टर होने वाले हैं, तो लेट फीस ये बात हो चुकी है। ऊपर लिखा हुआ था कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, एक बार सबमिट होगी पैसे कोई नहीं वापस देता। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट बात हो चुकी है 24 जुलाई। डिस्प्ले ऑफ आंसर कीज ऑन द पोर्टल आपको याद है 25 जुलाई को 5 बजे, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शंस, अगर आपको लगता है कि कोई आंसर आप जो आंसर की दी गई है लेकिन आपको श्योर है कि मेरा आंसर सी था, लेकिन मेरा आंसर सी था लेकिन वहां पर बी दिया गया है, मेरा आंसर सी है वहां बी दिया गया है, तो आप श्योर हो आपका ये ठीक है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन करने के लिए डेमोक्रेटिक वे आपको दिया गया है कि आप लास्ट डेट उसकी 27 जुलाई है, तब तक आपने 2 बजे तक ऑब्जेक्शन जो है अपना सबमिट करवाना है अलोंग विद जो भी आपके पास प्रूफ है कि आपका आंसर राइट है। तो वो ईमेल एड्रेस जो पहले बात करके आया हूँ bbedadmissions2022@gndu.ac.in पर आप बात कर सकते हो, ये कम्युनिकेट कर सकते हो। इसके अलावा डिस्प्ले ऑफ सीट्स एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल इन द कॉलेज 30 जुलाई सैटरडे तक। डिस्प्ले ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट ऑन द पोर्टल 1 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। अपडेशन ऑफ ओनली क्वालिफाइंग डिग्री मार्क्स बाय द कैंडिडेट फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड देयर मार्क्स अर्लियर इन द ऑनलाइन। अच्छा, मेरे ख्याल में ये क्या होगा, क्वालिफाइंग डिग्री मार्क्स कौन से हैं जो आपके ग्रेजुएशन के हैं जहां पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स है ना, जिसकी एलिजिबिलिटी बनेगी, वो एलिजिबिलिटी कितनी है 50%, ओके। रिजर्व कैटेगरी डिफरेंट है, वो आपको एलिजिबिलिटी अपनी पता होगी। तो हो सकता है कि आपका रीअपीयर था या रिजल्ट लेट था, एग्जाम हो गए थे लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आउट हुआ था, ये एंट्रेंस टेस्ट हो गया, उनको ये वो इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, बेशक कंपार्टमेंट केस है, रीअपीयर वाले हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जो है इस डेट से पहले आ जाना चाहिए। तो अगर वो रिजल्ट इससे पहले आ जाता है तो वो अपना रिजल्ट जो है 2 अगस्त को फिल कर सकते हैं, उनको मौका दिया जाएगा अपने क्वालिफाइंग, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन में पीछे वो फिल नहीं किया था। फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग बाय कैंडिडेट्स फॉर मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कॉलेज। मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, पिछली वीडियो है वो भी आप देख सकते हो, दोबारा इस पर भी बना दूंगा वो देख सकते हो। 2 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जो चॉइस फिलिंग होगी। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 16 अगस्त को। रिपोर्टिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसीज ऑनलाइन थ्रू ईमेल ओनली। कोई आपके डॉक्यूमेंट की कोई गड़बड़ हुई है, काफी केस ऐसे होते हैं इन्फॉर्मेशन गलत हो गई थी है ना, तो कुछ भी ऐसा अगर आपने कम्युनिकेट करना है ईमेल के जरिए ही करना है, वो जो दे दिया गया है, तो वे ये है 17 अगस्त। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 18 अगस्त को। और ऑनलाइन एलोकेशन ऑफ सीट प्योरली प्रोविजनल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड चॉइस प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट 23 अगस्त को ये हो जाएगा। और रिपोर्टिंग एट द कॉलेज, रिपोर्टिंग का मतलब है कॉलेज जाके आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई कॉलेज करेगा, और आप फीस जब तक
कॉलेज जब वेरीफाई करके फिर कॉलेज की जिम्मेवारी है, उसके बाद वो आपका जो है याद रखना है यहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना उनकी जिम्मेवारी है, आपकी ड्यूटी है कि फीस कौन कौन सी वो ले रहे हैं आपको पहले बताएं, आप हर तरह का क्वेश्चन उनसे कर सकते हो और फीस फाइनल होने के बाद जब आप फीस जमा करवा देते हो तो आपकी बीएड इंश्योर हो जाती है, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विल बी इंश्योर्ड प्रस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, ये बात कर रहे हैं 27 तक ये होगा, 3-4 दिन मिलते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फाइल अनफिल्ड सीट बाय द कॉलेज ऑन द वेब पोर्टल थ्रू पीआई लॉगिन सॉफ्ट कॉपी ड्यूली साइंड। अच्छा, जो सीट्स खाली रह जाएंगी कॉलेजेस ने फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है, उसकी डेट है 29 अगस्त। वो सीट्स कैसे फिल होंगी उसका प्रोसीजर आगे आएगा, आगे सेकंड काउंसलिंग में वो सीट्स फिल की जाएंगी। तो मेरे ख्याल में इतना काफी है, सेकंड काउंसलिंग जब आएगी उसकी बात करेंगे, लेकिन उसकी अगर आप डेट्स देखना चाहते हो यहाँ पर देख सकते हो। ये वही बातें हैं, जस्ट ये रिपीट हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ कॉलेज, अगर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और कैटेगरी की सीट है अवेलेबल, आप शिफ्ट करना चाहते हो थोड़ी सी फीस शायद लगती है, हाँ 1000 रुपए वो कॉलेज काटेगा जहां पर आपने फीस ली थी, उसके बाद आप शिफ्टिंग कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स थी, मेरे ख्याल में ये डेट्स बाकी बाद में डिस्कस करेंगे, अगर देखना चाहते हो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो कौन सी डेट क्या है। मैनेजमेंट कोटा की अलग वीडियो बना दूंगा, यहाँ तक काफी है। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स फीस और इन्फॉर्मेशन थी, कोई क्वारी हो आप कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हो, इम्पोर्टेंट लिंक्स जो दिए गए ईमेल वगैरह है वो कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू।